देख सकते हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। भैया आप यहाँ पटना में क्यों आए हैं, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप बताएं। अरे तो पटना में हमारी माँ है, हमारी धरती है, हमारा राजधानी है, तो पटना में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि माता रानी हमेशा आप सबको खुश रखे। एक्शन नहीं है इसमें, इसमें समस्या है किसानों की और उसी पे आधारित हमने ये सिनेमा की है। और हमारी कोशिश है कि इसको हमेशा किसानों की जो उपलब्धियां हैं वो दुनिया को बताया जाए, देश को बताया जाए। किसान के बारे में है लेकिन पिछले कई साल से एक साल से जो है किसान सड़कों पे है, बिहार में भी किसान की हालत ठीक नहीं है, तो क्या होगा, क्या किसानों की हालत क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए मैं नेता हूँ नहीं, मैं तो एक कलाकार हूँ और कलाकार होने के नाते मेरी जो उपलब्धियाँ हैं वो सिनेमा के माध्यम से ही आ सकती है, गाने के माध्यम से आ सकती है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने माध्यम को मजबूत रखूं और मैं अपने माध्यम से जो मुझे जानते हैं उन तक इनकी समस्या को पहुंचाऊं। अच्छा, इस फिल्म से लोगों को क्या कुछ सीखने को मिलेगा, इसके बारे में बताएं। किसान हमारे देश के लिए कितनी ज़रूरत है ये देखने को मिलेगा, किसानों की उपलब्धियां हमारे लिए कितनी मायने रखती है ये देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं कोशिश में यही हूँ कि आज किसान है तो हमारी जीवन चल रही है, किसान नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कोई देश में कोई खा तक पाता, चाहे वो ब्राज़ील हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या हमारा चीन हो, कोई भी देश हो, लेकिन किसान नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई जी सकता है। जो खेसारी लाल यादव 8 वर्ष तक सफर किया है उन्होंने, कैसा लगता है इस मुकाम पर पहुंच के, क्या कुछ? अभी कुछ मुकाम नहीं मिला है खेसारी लाल यादव को, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है अपने राज्य के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। तो जिस दिन लग जाएगा मुझे कि हमने ये मुकाम हासिल कर लिया उस दिन जरूर बताऊंगा, अभी बहुत कुछ। कुछ दिनों पहले आपका एक दर्द छलका था यादव जी, आपने कहा था कि साड़ी पहन के जब मैं नाचता था तो मुझे नामर्द लोग बोलते थे, तो आपका दर्द छलका था, लेकिन अब जो लोग समाज में, वो मेरा कला था, वो मेरा कला है, वो साड़ी पहन के नाचना मेरा कला है, मैं साड़ी भी पहनता हूँ, मैं जींस पैंट भी पहन के नाचता हूँ, तो वो तो मेरा कला है और लोग उसको किस हिसाब से लेते हैं ये उनके अपने सोच है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है भैया। अच्छा, आप लोग बिहार सरकार से क्या मांग करेंगे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं वो ज़्यादा बिहार में काम नहीं करते हैं? तो बिहार में काम व्यवस्था होगी तब ना करेगा कोई, बिहार में जब व्यवस्था ही नहीं है तो कैसे कोई काम करेगा। अभी आपका बाप जी फिल्म बहुत ट्रेंड कर रहा है, सिनेमा हॉल में बहुत दिन से चल रहा है और काफ़ी लोगों का प्यार मिला, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार जब भी मेरा सिनेमा रिलीज होता है तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता है और मुझे खुद से ज़्यादा अपनी जनता पे विश्वास होती है कि ये भगवान स्वरूपी जनता मेरे सिनेमा को फुल समझ के स्वीकार जरूर। एक एक ट्रेंड चल रहा है कि भोजपुरी और हिंदी का मिक्सअप सॉन्ग चल रहा है, पवन सिंह का बरसात गाना आया था, तो क्या खेसारी लाल यादव भी भोजपुरी और हिंदी मिक्स कर दे कोई गाना बना? मैं हिंदी खुद ही गाया हूँ, आपने देखा होगा तेरे मेरे दरमियां, तो तेरे मेरे दरमियां मेरी जो गाना है आज मुझे लगता है हर देश में बज रहा है, वो जहाँ भी हिंदी लोग जानते हैं भोजपुरी समझते हैं, नेपाली हो चाहे बिहार हो या बंगाल हो, कहीं भी हर जगह वो बज रहा है और ये हमारी उपलब्धियां हैं। बट हम भाषा हमारी जो है, हमारी माँ जो है वो हमारी भोजपुरी है, हम किसी क्षेत्र के लिए काम करिए मायने नहीं रखता। खेसारी लाल जी, हम चाहेंगे कि एक गाना आप सुना दे, क्योंकि खेसारी लाल यादव हो और एक गाना नहीं हो तो कोई फीका पड़ जाएगा इंटरव्यू। भूलिया तू जानू हाँ गईला के बाद हो मैया जी, जाता राजा रा बजरिया पिया, जाता रा छपरा बजरिया पिया, चुनरिया पिया हो चुनरिया पिया, ले ले जाइया ललके चुनरिया। छठ और दीपावली का भी शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना छठ और दीपावली की भी और नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बात कर रहे थे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी।